अयोध्या राम मंदिर जहां पर सोमवार 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम के रामलला स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है राम जन्मभूमि पर, जिसके लिए सभी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसके लिए कहां कहां से क्या क्या सेवाएं आई हैं और क्या रहा है इस दिव्य मंदिर का इतिहास। प्रभु श्री राम के लिए 3000 से भी ज़्यादा उपहार आए हैं उनके ससुराल नेपाल से, जिसमें गहने, पादुका, कपड़े, चांदी इत्यादि है। इसके अलावा उपहारों से सजे 1100 थल भी है। ये बिल्कुल इस तरह से आए हैं जैसे विदाई के वक्त एक बेटी को दिया जाता है। राम जी के ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ से 300 टन सुगंधित चावल 11 ट्रक में भरकर अयोध्या पहुंची है, जिसको सीएम विष्णुदेव साई ने भगवा झंडा दिखाकर रवाना किया। बदोदरा से 108 फीट लंबी धूप बत्ती आ रही है, जिसको बनाने की लागत 5 लाख आई है और जो कि 1.5 महीने तक लगातार जलती रहेगी। जैसलमेर से 2400 किलो का अस्त धातु से बना हुआ घंटा आया है। अलीगढ़ के एक दंपति ने 400 किलो का एक ताला तैयार करके भेजा है। जोधपुर से 600 केजी देसी घी को बैलगाड़ी से अयोध्या पहुंचाई गई 7 दिसंबर को, जिसको महारिषि संदीपनी राम धर्म गौशाला जोधपुर ने डोनेट किया है और इसको 108 कलशों में रखकर भिजवाया गया है। अगर हम बात करें इतिहास की तो प्रभु राम की कहानी तो आपने बचपन में सुन ही ली होगी या लॉकडाउन के टाइम पर टीवी सीरियल पर जरूर देखा होगा, जिसमें सीता माता आखिरी में धरती में समा जाती हैं और प्रभु राम जल समाधि लेकर बैकुंठ धाम को प्रस्थान करते हैं। और उसके बाद राजा कुश ने राम जन्म स्थान पर कई मंदिरों का निर्माण किया, जो वक्त के साथ साथ खंडहर होता रहा। फिर राजा विक्रम आदित्य ने इसका पुनर्निर्माण करके इसको दुरुस्त किया। समय में आगे चलते हैं। जब हिंदुस्तान पर मुगल शासक राज करते थे, तब उन्होंने सैकड़ों मंदिरों को तोड़कर उनके पत्थर और स्ट्रक्चर को यूज़ करके उन्होंने अपने लिए मस्जिदें बनवाईं, और उन्हीं मंदिरों में एक राम मंदिर यानी उस समय का रामकोट मंदिर भी शामिल था, जिसको 1528 में मीर बाकी, जो एक कमांडर था बाबर का, उसने बाबरी मस्जिद बनवाई। दोस्तों, बाबरी और बाबर में कन्फ्यूज मत होना। बाबर एक मुगल शासक था और बाबरी बाबर का होमोसेक्सुअल पार्टनर, और इसी होमोसेक्सुअल पार्टनर के नाम पर इस मस्जिद का निर्माण राम मंदिर को तोड़कर हुआ था। 1767 में जेसुइट मिशनरी जोसेफ टिप्टन हेलर की लिखी गई डिस्क्रिप्सियो इंडी किताब में लिखते हैं कि मस्जिद को बनाने के लिए रामकोट मंदिर को नष्ट किया गया था, जिसे प्रभु राम का जन्मस्थल के रूप में माना जाता है। और 1853 में पहली बार धार्मिक हिंसा का इतिहास दर्ज किया गया। तभी से ये जगह हिंदू मुस्लिम का एक मेजर डिस्प्यूट रीजन बना। फिर दिसंबर 1858 में ब्रिटिश सरकार ने अयोध्या के विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा नहीं करने दी और मस्जिद के बाहर रिचुअल्स करने के लिए एक स्थान दिया। और फिर जब 22-23 दिसंबर 1949 की रात को इस स्थान पर जब श्री राम और माँ सीता की प्रतिमा की पूजा शुरू की, तो अगले दिन से भक्तों की जमाव शुरू हो गया। 1980 में विश्व हिंदू परिषद, जो संघ परिवार का हिस्सा है, ने एक नया आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का उद्देश्य था स्थल को हिंदुओं के लिए वापस लाना और यहाँ रामलला को समर्पित एक मंदिर बनाना। फिर 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को शिलान्यास के लिए अनुमति दी और उत्तर प्रदेश सरकार ने सहमति दी कि शिलान्यास विवादित स्थल के बाहर होगा। लेकिन 9 नवंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के समूह और साधुओं ने एक 200 लीटर पीत खोदा, जो कि विवादित स्थल के बगल में था। वहां पर मंदिर का मेन एंट्रेंस सिंह द्वार बनाया गया। विश्व हिंदू परिषद ने फिर मस्जिद के बगल में एक मंदिर का निर्माण की शुरुआत की। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 लाख कर सेवक को शामिल करके एक रैली ऑर्गेनाइज की, जो बाद में वायलेंट हो गई और क्राउड ने मस्जिद को गिरा दिया। मस्जिद गिराने के अगले दिन 7 दिसंबर 1992 को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान में 30 से अधिक हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ, कुछ को आग लगाई गई और कुछ मंदिरों को नष्ट किया गया। बांग्लादेश में भी हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं। 5 जुलाई 2005 को 5 आतंकवादियों ने अयोध्या में गिराई गई बाबरी मस्जिद के स्थल पर बनाई गई राम मंदिर पर हमला किया। एनकाउंटर में उन सभी को CRPF के जवानों ने मार गिराया, लेकिन उनमें से एक जवान शहीद हो गए। 1978 और 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की गई 2 खुदाइयों ने दिखाया कि मंदिर के अवशेष स्थल पर मौजूद थे। आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने कुछ लेफ्ट लीनिंग इतिहासकारों पर इस खोज को कमजोर करने का आरोप भी लगाया था। अंत में 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तय हुआ कि विवादित स्थल पर भारत सरकार द्वारा एक ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा, जिसे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 5 फरवरी 2020 को भारत के संसद में ये घोषणा की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने मंदिर का निर्माण करने की योजना को मंजूरी दी। 2 दिन बाद 7 फरवरी को अयोध्या से 22 किलोमीटर दूर धनीपुर गाँव में नए मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन भी एलोकेट की गई। अब बात आती है मंदिर के निर्माण की, जिसकी भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और इसके बाद राम मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सुपरविजन में हुआ। 1988 में राम मंदिर का पहला डिज़ाइन सोमपुरा फैमिली ने तैयार किया था। फिर 2020 में इसमें कुछ बदलाव किए गए,
जो हिंदू ग्रंथ वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के अनुसार हुआ। मंदिर को 250 फीट चौड़ी, 380 फीट लंबी और 161 फीट की ऊंचाई है और ये गुजरा चौलक के स्टाइल में बनाई गई है। मुख्य भवन एक ऊंचाई पर है जिसमें 3 मंजिलें हैं। इसके गर्भगृह और प्रवेश पर 5 मंडप हैं। मंदिर में कुल मिलाकर 366 कॉलम्स हैं और हर कॉलम में 16 मूर्तियां होंगी। मंदिर का निर्माण 6 लाख क्यूबिक फीट सैंडस्टोन से हुआ है जो राजस्थान के बंसाई से आई है। मंदिर की कंस्ट्रक्शन में लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है और पत्थर के ब्लॉकों को मिलाने के लिए 10,000 तांबे की प्लेट्स की जरूरत पड़ी थी। रामलला के वस्त्र को टेलर भगवत प्रसाद और शंकर लाल ने सिला है। 29 दिसंबर 2023 को अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति का चयन एक मतदान प्रक्रिया द्वारा किया गया। कर्नाटका के कलाकार अर्जुन योगीराज ने श्री राम की मूर्ति को बनाया है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए तैयारियों में उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ का बजट एलोकेट किया है राम उत्सव के लिए। ये धार्मिक उत्सव उत्तर प्रदेश के 826 स्थलों में होने वाली है, साथ ही राम पदुका यात्रा भी शामिल है। यात्रा का आरंभ दिसंबर 2023 में हुआ है और ये मकर संक्रांति से लेकर 22 जनवरी 2024 तक चलेगी। यात्रा राम वन गमन पथ पर होगी जो अयोध्या से राम के 14 वर्ष के वनवास की यात्रा को दर्शाएगी। अनुमान है कि इस साल जनवरी में ही अयोध्या 50,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगा। साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत में मकर संक्रांति के दिन से सभी तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का अभियान चलाने के लिए कहे हैं और 22 जनवरी को इस सदी की सबसे बड़ी दीपावली मनाने के लिए देश से आग्रह भी किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी आगे ऐसे ही कॉन्टेंट लाने के लिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।